तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ईओ M1887 के बारे में। और गाइस यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो M1887 है इसके बारे में काफ़ी सारे बंदों ने मुझसे यहाँ पे पूछा कि भाई यहाँ पे ईओ गन स्किन और गाइस यहाँ पे नॉर्मल वेपन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए मिलता है, दोनों के डैमेज में, दोनों के आर्मर पेनिट्रेशन में, दोनों के रेट ऑफ फायर में आप लोग को कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स में बात करते हैं कि गाइस यहाँ पे आप लोग को एक नॉर्मल M1887 में और गाइस यहाँ पे एक डैमेज वाले गन स्किन में या ईओ गन स्किन में आप लोगों को कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डैमेज का और गैस वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में है नॉर्मल M1887 और गैस इससे मैं फायर करता हूँ तो बॉडी डैमेज दे रहा है 17 का, जो कि यार मतलब ठीक ही है। चलो अपडेट के पहले यही वाला 18 का डैमेज देता था। और गैस यहाँ पे अगर मैं हेडशॉट का बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे हेडशॉट दे रहा है 93 का हेडशॉट दे रहा है, तो चलो ठीक ही है। तो गैस अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का। तो गैस यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर 9 करके डैमेज दे रहा है नॉर्मल M1887। और गैस यहाँ पे लेवल 3 का बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे 6 करके डैमेज दे रहा है लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर। और गैस यहाँ पे अगर लेवल 4 का बात किया जाए तो गैस यहाँ पे भी 6 करके ही डैमेज दे रहा है लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ईओ गन स्किन के डैमेज का। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये रहा ईओ गन स्किन, मैंने इसको लेवल 4 का अपग्रेड किया है और भाई यहाँ पे 19 करके बॉडी डैमेज दे रहा है, जो कि काफी सही है। और गैस यहाँ पे हेडशॉट का मैं बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे 104 भाई साहब 104 का हेडशॉट डबल डैमेज वाला गन स्किन यहाँ पे दे रहा है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गैस अब मैं अगर बात करता हूँ वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का, तो गैस यहाँ पे मैंने इसको लेवल 2 का वेस्ट पहना दिया और गैस यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर 10 करके डैमेज दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज है। और गैस यहाँ पे लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर 7 करके डैमेज दे रहा है, नॉर्मल गन यहाँ पे 6 करके डैमेज दे रहा था। और गैस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेवल 4 का, तो यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर ही उतना ही डैमेज दे रहा है जितना कि यार नॉर्मल गन डैमेज दे रहा था। तो फाइनली तुम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो तुम लोग को यहाँ पे गन में और गन स्किन में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मैंने दे दिया है। यहाँ पे तुम लोग को गन स्किन में बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिल जा रहा है। और अब यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को यहाँ पे चेक करते हैं क्योंकि गैस यहाँ पे ईओ गन स्किन के अंदर मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस है। तो गैस यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे नॉर्मल के अंदर और ईओ गन स्किन के अंदर क्या कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल गन थोड़ा सा आगे है, ईओ गन स्किन थोड़ा सा पीछे है। और अब अगर बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ फायर का, तो गैस यहाँ पे गन स्किन के अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर है और नॉर्मल के अंदर नॉर्मल ही रेट ऑफ फायर है। तो गैस यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के रेट ऑफ फायर में हम लोग को कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा स्लो मोशन में कर देता हूँ। तो गैस अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे अब अच्छे से देखना है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो ईओ गन स्किन है इसका बुलेट निकल चुका है और अभी तक यहाँ पे नॉर्मल वाले का बुलेट नहीं निकला है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों के रेट ऑफ फायर में तुम लोग को बस इतना डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा कि ईओ गन स्किन का पहला बुलेट जल्दी निकलता है। तो बस यही अंतर है M1887 के एक नॉर्मल गन में और गैस एक सिंगल रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन में। यहाँ पे जो रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन है उसका पहला बुलेट थोड़ा सा जल्दी निकलता है, लेकिन गैस जो दूसरा बुलेट है दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं। इन मतलब तुम लोग को यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ फायर में और यहाँ पे सिंगल रेट ऑफ फायर में बस इतना ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गैस आई होप कि तुम लोग ने यहाँ पे अब देख लिया कि तुम लोग को यहाँ पे दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। तो गैस बस क्या तुम लोग ने यहाँ पे देख लिया, काफी सारे बंदे यहाँ पे बोल रहे थे यहाँ पे कॉम्पेरिजन वीडियो दिखाओ नॉर्मल M1887 का और गैस यहाँ पे ईओ गन स्किन का। तो गैस मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखा दिया, लेकिन गैस अगर और भी तुम लोग को कुछ जानना हो तो बेझिझक तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो, मैं तुम लोग के मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ। तो गैस चलो यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो गैस सपोर्ट करो आप लोग मेरे चैनल को भी, क्योंकि गैस काफी ज्यादा जरूरत है मुझे तुम लोग के सपोर्ट का। तो गैस चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय।